गाइस हम अपने वर्ल्ड में मार चुके हैं कई सारे जानवर और कई सारे मॉब्स, अपने कई सारे विलेजर्स, एनिमल्स तो मैं मारता ही रहता हूँ, और सबसे ज़्यादा गाइस हमने मारा है वीदर। हमने गाइस 3 से 4 वीदर मार चुके हैं, जिससे गाइस हमारे पास 3 या 4 बीकन पड़े हुए हैं जो हमें पावर देने के काम आते हैं, और एंडर ड्रैगन जिसे हम फाइनली आज मारने वाले हैं। गाइस मतलब बहुत ज़्यादा इंतजार करने के बाद फाइनली हमारे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और 1000 सब्सक्राइबर्स पे जैसे मैंने आप लोगों से एक वादा किया था 1000 सब्सक्राइबर्स यानी एंडर ड्रैगन का खात्मा। बट इस चीज़ को थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए आज हम गाइस डिफीट करने वाले हैं दो एंडर ड्रैगन्स को। अब ये सोच रहे होंगे कि दो एंडर ड्रैगन्स कहाँ से आए, वो जानने के लिए गाइस आपको जाना पड़ेगा वीडियो के अंदर। बट उससे पहले गाइस आप सबसे एक बहुत ही छोटी मतलब बहुत ज़्यादा छोटी एक छोटी सी मतलब रिक्वेस्ट है। गाइस हम 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं, हम 1500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जिसके लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना, नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा ठीक यहाँ पे, बस उसे जाके लाल से ग्रे कर दो, और जिन्होंने पहले से उसे ग्रे कर रखा है तो वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँच जाए कि वो भी इस बटन को ग्रे कर दें। आप लोगों को बस यही दो छोटे से स्टेप्स, इसको सब्सक्राइब करो और इधर शेयर करो, ये दो छोटे से छोटे छोटे मेहनत है जो हमारी मेहनत को काफ़ी ज़्यादा रंग लाएगी और हमें 1500 सब्सक्राइबर्स से काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँचाएगी। मतलब 1500 सब्सक्राइबर्स तो अभी हमारा गोल है, बस 1500 सब्सक्राइबर्स हो जाए फिर हम जाने वाले हैं, देखेंगे क्या करने वाले हैं। बट फिलहाल हम आज एंडर ड्रैगन को मारने वाले हैं, वो भी दो। कैसे, उसे जाने के लिए जाओ सीधा वीडियो के अंदर, ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए। आपका एक और गेम प्ले वीडियो के अंदर, आज गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है जहां हम मारने वाले हैं एंडर ड्रैगन को। मैं अपने वर्ल्ड में काफी सारे ही मतलब प्राणी को मार चुका हूं, जैसे फिश, टर्टल, मॉब्स से मेरा मतलब ये है, अपने ज़ॉम्बीज, कई सारे विलेजर्स, एनिमल्स को तो मैं मारता ही रहता हूं। अब फाइनली हम मारने वाले हैं एंडर ड्रैगन को। हम किसको मार चुके हैं, वीदर को भी मार चुके हैं लगभग 3 बार, 3 से 4 ज़्यादा ही मार चुका हूँ, क्योंकि गाइस इतने सारे बीकन मेरे पास पड़े हैं, मैंने खुद भी नहीं गिन के इतने, मेरे पास 3 या 4 बीकन्स पड़े हुए हैं, बट एंडर ड्रैगन को नहीं मारा। बट ये वीडियो थोड़ी सी खास होने वाले बाकी वीडियोज़ के मुकाबले, क्योंकि गाइस हम आज एंडर ड्रैगन को तो मारेंगे बट 2 बार लगातार, क्योंकि गाइस एंडर ड्रैगन को रिवाइव करने का भी एक पॉइंट टाइटल मिलता है, जिसमें हम एंडर ड्रैगन को रिवाइव करते हैं और दोबारा मारते हैं तो हमें एक टाइटल मिलता है, मेरे को वो टाइटल पहली बार में ही चाहिए, जिस वजह से गाइस आज मैं एंड्रॉइड ड्रैगन को मारूंगा, रिवाइव करूंगा, उसे फिर से मारूंगा, यानी एक ही वीडियो के अंदर आपको एंड्रॉइड ड्रैगन की मौत 2 बार देखने को मिलेगी। तो उसके लिए गाइस हमें काफ़ी सारी तैयारी करनी है। अब मेरे पास तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो मेरे हाथ में क्या क्या है, मेरे हाथ में इतना ही सामान है, मेरा थोड़ा बहुत ग्लास है और एंड पर्ल। इवन हम फिलहाल नेदर में भी नहीं जा सकते, नेदर में जाने के लिए हमें थोड़ा बहुत सामान चाहिए होता है जो अपने पास नहीं है, तो उन सब के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने प्यारे प्यारे घोड़े के पास। बट उससे पहले हम फिलहाल कहाँ पे हैं, हमारे जू के अंदर। तो सबसे पहले गाइस मैं जाने वाला हूँ, इसको छोड़ाने वाला हूँ, इधर आते हैं। ये रैबिट कहाँ से मर गया भाई, आई थिंक गाइस मैंने जो ऊपर रैबिट रखे उनमें से किसी की आज मौत हो चुकी है। चलो मेरा घोड़ा, इसको लेके गाइस मैं सीधा पहुँचता हूँ ऊपर, उसके बाद हम जाने वाले हैं जहाँ भी जाने वाले हैं, आप खुद तो देखने वाले हो तो देखते रहो, देख सकते हो ऊपर आ चुके हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ बहुत सारे मॉब्स हैं, क्योंकि गाइस ये रात का टाइम है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से भागने वाला हूँ अपने सीधा अनलिमिटेड अपने अनलिमिटेड वुड फार्म की तरफ, क्योंकि गाइस हमें वहाँ से चाहिए बहुत सारे एप्पल्स, और वो ठीक सामने हैं आप देख सकते हो, जिसका मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था। बट गाइस ये फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, क्रीपर फटते फटते बचा गाइस, और मैं उसके पास से भग के आ रहा हूँ, और अभी रात का टाइम है यानी बहुत सारे मॉब्स आने वाले हैं। किसी ने देखा तो नहीं, जिन्होंने भी देखा गाइस वो सब पीछे रह चुके, तो मैं फिलहाल यहाँ नीचे जाता है, और मैंने यहाँ काफ़ी सारे एप्पल स्टोर करके रखे हैं, एक स्टैक रख देते हैं, एक स्टैक जो वो प्रॉपर नहीं है। तो अब गाइस मैं यहाँ से जाने वाला हूँ सीधा एंड के अंदर, बट उससे पहले आप देख सकते हो मैं अपने हॉर्स को भी सिक्योर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सीधा चलता हूँ पीछे के रास्ते से, पीछे से असल में कोई रास्ता है ही नहीं, मैं यहाँ से जाता रहता हूँ, मैं सीधा जाता हूँ अपने हॉर्स को उसके जगह पे रखता हूँ, और एंड के अंदर जाते हैं, एंड कह रहा हूँ सीधा नेदर के अंदर जाते हैं, क्योंकि गाइस हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। चलो पहुँच गए, पहले तू इधर जा, मैं यहाँ से भगता हुआ जाता हूँ गाइस, मैं यहाँ से सीधा भगता हुआ जाऊँगा एकदम पिछू, क्योंकि गाइस मुझे को चाहिए काफ़ी सारे पोशंस जो मैंने बना रखे, बट पोशंस बाद में लेते हैं, हम सब अभी भी
सबसे पहले जाते हैं एंड के अंदर, सॉरी नेदर के अंदर, और अपना नेदर पोर्टल नीचे है, अपना नेदर पोर्टल नीचे है, तो मेरे को इस नीचे उतरना चाहिए था। अब मैं सीधा यहाँ से भगता हुआ चलता हूँ अपने नेदर पोर्टल की तरफ, जो ठीक यहाँ अंदर है, वो इसके अंदर है। ओह माय गॉड गाइस, आज के दिन ना सभी मेरे को मारने में तुले हैं, क्योंकि मैं एंड्रो ड्रैगन को मारने में तुला हूँ। तो मैं सीधा पहुँचता हूँ एंड के अंदर, तो गाइस मैं एकदम सही सलामत पहुँच चुका हूँ एंड के अंदर। और एंड में गाइस फिलहाल क्या चल रहा है, यहाँ काफ़ी सारे मॉब्स हैं जिनको फिलहाल मैं पीटने नहीं वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ ट्रेन की सवारी करने के लिए। और हम सबसे पहले जाने का वाले हैं, हम गाइस सबसे पहले बनाने वाले हैं आई ऑफ एंडर, साथ ही साथ गोल्डन एप्पल्स। और आई ऑफ एंडर बनाने के लिए गाइस हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है घास टीयर्स, जो मेरे पास रखी हुई है कहीं और ही। जैसे गाइस आपको मेरा रिस्पॉन एरिया तो पता है, मेरा सीक्रेट जिसको मैंने काफ़ी टाइम लगा के रिवील किया था, इवन वहाँ पे फिलहाल काफ़ी सारे घास होंगे, तो मैं सीधा भगता हुआ वहीं जाता हूँ। और यहाँ गाइस देख सकते हो यहाँ पे हाइट काफ़ी ज़्यादा, मैं यहाँ नीचे गिरना नहीं चाहता। और यहाँ गाइस सामने सोल सैंड है, जिससे गाइस मेरे को स्पीड का एकदम खतरनाक बूस्ट मिलने वाला है, और मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला है। और ये है गाइस मेरा रिस्पॉन एंकरिंग एंकर एरिया, यहाँ पे गाइस मेरे रिस्पॉन एंकर्स हैं, जिसकी वजह से मैं कभी भी यहाँ रिस्पॉन हो सकता हूँ। मतलब जब भी मैं गाइस नेदर में मरूंगा, मैं सीधा ओवर वाली यहाँ पे रिस्पॉन होने वाला। और यहाँ पे गाइस मैंने काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, जिसमें थोड़े बहुत बैनर्स पड़े हुए हैं, और ये घास टीयर्स हमें चाहिए थे, हमें फिलहाल एक स्टैक घास टीयर चाहिए। और हमें क्या चाहिए, काफ़ी सारा ब्लेज पाउडर, गाइस हमें काफ़ी सारा ब्लेज पाउडर चाहिए, जिसके लिए गाइस हमें जाना पड़ेगा हमारे ट्रेडिंग फार्म। क्या है ना गाइस, मैंने अपना काफ़ी सारा ब्लेज पाउडर जो है अपने पुराने ट्रेडिंग फार्म में रखा हुआ है, और ठीक हमें वहाँ पर भगना पड़ेगा। तो मैं सीधा चलता हूँ अपने कासल के अंदर, वहाँ से गाइस आज मतलब काफ़ी सारा ट्रैवल करना है, सारी की सारी तैयारी जो मैंने करनी थी वो सब आज ही करनी है, और उसके बाद हम जाएंगे एंड के अंदर हमारे एंडर ड्रैगन को मारने, वो भी लगातार दो बार। तो गाइस ये हमारा पहला गोल्ड ट्रेडिंग हॉल, और यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेडिंग होती रहती है, बट मैं यहाँ गोल्ड से हुई ट्रेड के लिए नहीं यहाँ पे मैं आया हूँ, कि गाइस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है काफ़ी सारा ब्लेज रॉक, और ब्लेज रॉक से हमें मिल जाता है ब्लेज पाउडर, जो हमें चाहिए आई एफ एंडर बनाने के लिए। फिलहाल हम एक स्टैक सीधा ब्लेज रॉड ही पकड़ते हैं यार, हमें यहाँ से ब्लेज रॉड मिल चुका है, और हम इसका पाउडर बनाने वाले। बट इससे पहले अभी हम जाने वाले हैं कहाँ पे, अभी हम जाने वाले हैं एक और ट्रेडिंग हॉल पे, वैसे हमें यहीं से मिल जाएंगे, तो मेरे को एक और ट्रेडिंग हॉल भागने की जरूरत तो है ही नहीं। हमें गाइस काफ़ी सारे आई ऑफ एंडर चाहिए, ये देखो एंडर पर्ल्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, और हमें फिलहाल कितना चाहिए, उठा लेते जितना हमारे चेस्ट में आएंगे। फिलहाल गाइस हमें काफ़ी सारे एंडर पर्ल्स मिल चुके हैं, और हम फिलहाल इसको करने वाले हैं कन्वर्ट, तो हमें चाहिए काफ़ी सारा ब्लेज पाउडर। हम एक दो स्टैक हमारे पास आ चुके हैं, और हम यूज़ करने वाले हैं ब्लेज पाउडर साथ ही साथ एंडर पर्ल आई ऑफ एंडर बनाने के लिए। तो गाइस मैंने लगभग एक स्टैक आई ऑफ एंडर बना लिया है, और एक स्टैक मैं बना लेता हूँ, एक स्टैक से थोड़ा ज़्यादा ही बना लेता हूँ, क्योंकि गाइस हमें एंड भी जाने के लिए एंडर पर्ल्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी एंडर पर्ल्स होगी, और बाकी ब्लेज पाउडर करो जो बचा हुआ है उसको मैं यहाँ डालता हूँ। और ये जितना भी एंडर पर्ल है, हम अभी क्या करने वाले गाइस, हम बनाने वाले हैं दी आई थिंक नेदर स्टार नहीं गाइस, एंड क्रिस्टल कहते हैं, हमें चाहिए घास ट्रियन साथ साथ एंडर पर्ल, और बहुत सारा ग्लास जो इसको सराउंड कर रहा होगा, और इससे गाइस हमें मिल जाएंगे चार, वैसे गाइस हमें चार चाहिए बट मैं लेके जाता हूँ आठ, पता नहीं है शायद जरूरत पड़ जाए। तो गाइस हमारे पास टोटल है आठ एंड क्रिस्टल्स, एंड क्या भैया क्रिस्टल्स ही है, एंड क्रिस्टल्स गाइस ये काम आते हैं एंड ड्रैगन को जिंदा करने के लिए, और हमने फिलहाल एंड ड्रैगन को मारा नहीं, उसको जिंदा करने की तैयारी हो चुकी है। और मेरे को फिलहाल चाहिए काफ़ी सारा गोल्डन एप्पल, एंडरबॉल भी गाइस काफ़ी सारा है, एंडरबॉल का जो बचा हुआ है उसको कहीं ना कहीं डालते हैं, एंडर चेस्ट में डालते हैं सबसे बेस्ट, एंडर चेस्ट में डालते हैं। और ये ग्लास गाइस हमें फिलहाल तो नहीं चाहिए, कहाँ डाली गाइस, ये सब भर चुके हैं, यहाँ कचरे की पेटी है, कचरे की पेटी से याद आया मैंने लीवर ऑन करो, और ये सारा कचरा वापस अब जहाँ आया था वहीं से जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैं ग्लास को फिलहाल कहीं ना कहीं ठिकाने लगाता हूँ, यार इसके अंदर डाल दो, फिलहाल ये कचरे के डब्बे में जाने वाला है। हमें चाहिए गाइस बहुत सारा गोल्ड, और हमें गोल्ड मिल चुका है,
काफी सारा गोल्ड मिल चुका है और हम ऊपर जाते गाइस, क्योंकि हमें काफी सारा गोल्ड ऊपर से भी मिलने वाला है। ऊपर मैंने मशीन को बंद किया हुआ है तो ऊपर यानी बहुत सारा गोल्ड स्टोरेज में होना चाहिए। हमें कितना सारा गोल्ड चाहिए, हमें टोटल 8 स्टैक गोल्ड चाहिए। 8 स्टैक चाहिए भाई। ये गाइस फिलहाल हमारे पास 4 है तो हमारे पास टोटल 8 स्टैक गोल्ड हो चुका है और हम फिलहाल क्राफ्ट कर सकते हैं गोल्डन एप्पल। गोल्डन एप्पल से गाइस काफी ज्यादा जल्दी हेल्थ मिलती है और काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तो हम लेके जाने वाले 1 स्टैक गोल्डन एप्पल। उसके लिए हमें चाहिए गाइस 1 गोल्डन एप्पल, काफी सारा गोल्ड, और गाइस हमें मिल चुका है गोल्डन एप्पल। पर गाइस काफी नेदर में हम फिलहाल एंडर चेस्ट में इसको डालते हैं। तो गाइस हम अब एंड में जा सकते हैं। हमें बस गाइस एंड में जाने के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। एंडर ड्रैगन को जिंदा कर सकते हैं, एंड में जा सकते हैं, काफी सारा गोल्डन एप्पल मिल गया। पर अभी भी गाइस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, वो है पोशंस, जिसके लिए गाइस मेरे को फिर से जाना पड़ेगा ओवरवर्ल्ड और वहीं से हम ठीक जाने वाले हैं एंड के अंदर। तो सीधा यहां से भागते हैं ओवरवर्ल्ड और यहां पे गाइस हमें मिलेगी हमारी माइनकार्ट। गाइस हमारा ऑटोमेटिक ब्रूइंग स्टेशन, साथ ही साथ गाइस हमारा रेल डुप्लीकेट है। इसके वजह से गाइस हम काफी सारे रेल्स को डुप्लीकेट करते हैं। आप जितने भी मेरे रेल प्रोजेक्ट्स देखते हो ना, उन सब के लिए जो रेल्स आते हैं वो सब यहीं पर डुप्लीकेट होते हैं। और ये गाइस मेरा पहला ट्रेडिंग हॉल, सबसे पहला, और यहाँ पे गाइस देख सकते हो काफ़ी सारा स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है और इवन ये सब रिफिल होने वाले हैं। तो यहाँ देखो गाइस अपने पास कितना सारा माल है। तो अपने पास क्या है, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ, भाई काफ़ी सारा है, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ उठाते हैं और ये भी सबको हमने लोड कर लिया है, एनएचएस में भी भर लिया है। आई थिंक मैंने यहाँ कहाँ एक और एंड चेस्ट रखी थी, पता नहीं कहाँ है, उससे याद है गाइस। अपनी चेस्ट में काफ़ी सारा अभी भी ग्लास बाकी है और इसमें गाइस एक ऑटो फिलर है जो इसमें काफ़ी सारा ग्लास बॉटल्स भरता है। तो यानी मैं गाइस मेरे को बॉटल्स में फिल करनी जरूरत नहीं पड़ती सारा सामान एक बार। एक काम करते गाइस, मैं अपने पास थोड़ा सा रखता हूँ और बाकी जो बैकअप है उसको यहीं पर रखता हूँ। तो फाइनली गाइस सब बड़ी तैयारी हो चुकी है और मैं जाने को भी तैयार हूँ और एक काम रह गया है, उसको हम शायद आने के बाद करेंगे, नहीं वो अपने आप हो जाएगा, और वो है मेरे सारे सामान की हीलिंग। जैसे गाइस हम एंड्रो ड्रैगन को मारने वाले हैं, हमें मिलने वाली काफ़ी ज़्यादा एक्सपी, जिसके वजह से गाइस मेरा काफ़ी सारा सामान है जो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। तो मैं यहाँ से सीधा भागता हूँ हमारे स्टेशन की तरफ और वहाँ से सीधा जाते हैं अपने पोर्टल की तरफ। गाइस मैं तो जाने वाला था अपनी आखिरी सलामी देके मरने के लिए, यानी एंड्रो ड्रैगन को मारने के लिए। पर उससे पहले गाइस मेरे को याद आया कि मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है जिसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बनाया है, बट काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाया है और उस प्रोजेक्ट के आने वाले पार्ट्स जो हैं वो मैं फिर से बनाता रहूँगा, बट वो काफ़ी ज़्यादा इजीली कंप्लीट होंगे। तो फिलहाल हम जाने वाले हैं अपने उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए जो है हमारे आयरन गोलम के अंदर, यानी उसकी इस बॉडी के अंदर। गाइस यहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्प्टी एरिया है जिसको मैंने किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पे मैंने कुछ छुपा दिया है और आई थिंक वहाँ साइड में ही पफर फिश देख सकते हो गाइस। मैं अभी भी मुश्किल से बचाऊँ, मतलब पफर फिश से टकराते बचाऊँ। और कहाँ पे भाई होल कहाँ है, होल कहाँ है, देख सकते हो गाइस यहाँ नीचे एक होल है जिसके अंदर गाइस काफ़ी बड़ा झोल है। यहाँ पे गाइस एक टनल है जो सीधा जाती है आयरन की तरफ, आयरन यानी हमारे आयरन गोलम की तरफ। और यहाँ से गाइस सीधा हम बूस्ट लगाते हुए जा रहे हैं ऊपर और यहाँ पे गाइस अपने पास है एक जायंट मैप जो गाइस मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया, काफ़ी टाइम उन्हें अभी एक दो दिन पहले बनाया है, जिसमें गाइस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग चुकी है। ये हमारा जायंट मैप है जो असल में उस छोटे से मैप की हूबहू नकल है जिसको बनाने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, बट वो छोटा वाला मैप एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसमें मैंने कम ही एरिया कवर किया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये गाइस स्क्वायर हमारा कासल है, हमारी चेस्ट ओपन ऊपर से ऐसी लगती है और गाइस हमारी स्वॉर्ड, हमारे मतलब सब कुछ गाइस। ये देखो, ये देख रहे हो, ये हमारा जू है और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जिसको मैं मैप के अंदर ला चुका हूँ और अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो मैप के अंदर नहीं आई, जैसे गाइस हमारी शिप यहाँ मैप के अंदर नहीं है, हमारा नया शिप यार्ड वो भी मैप के अंदर नहीं, क्योंकि गाइस इसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ता है। साथ ही साथ यहाँ मैप पे देख सकते हो, तो ये एक विलेज है जो हमें मिला था, बट यहाँ पे ये क्या चीज़ है गाइस, आप ज़रा बताओ ये क्या चीज़ है। गाइस ये है एक क्रिसमस टाउन जिसको मैं आपको क्रिसमस में दिखाने वाला था, पर थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ और रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होने के कारण इसको मैं ना ही सही से रिकॉर्ड पर करवाया और ना ही मैं आप लोगों को ये दिखा पाया, बट होपफुली नेक्स्ट क्रिसमस में दिखा दूँ, या फिर आप मेरे को कमेंट करो या फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड किया जाए।
हमारा क्रिसमस राउंड जो क्रिसमस में आने वाला था बट आ नहीं पाया। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे दिखाता हूँ। और फिलहाल ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एंडर ड्रैगन को मारने चलते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हमारे एंड पोर्टल की तरफ, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसको गाइस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। आपको तो पता ही होगा क्योंकि गाइस आपने इसकी बिल्ड वीडियो भी देखी है। और मेरे पास काफ़ी सामान है जो मेरे को यहाँ नहीं लेके जाना, मेरे पास एक और एंडर चेस्ट यहाँ पे होनी चाहिए जो नहीं है। तो हम सबसे पहले गाइस हमारे एंड पोर्टल को शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए गाइस हमें लगेगा काफ़ी सारा आई ऑफ एंडर, जिसको हमें यहाँ प्लेस करना है इस तरीके से। और ये इस तरह से आवाज़ करेगा और गाइस ये आखिरी आई ऑफ एंडर प्लेस करते ही हमारा एंड पोर्टल शुरू हो जाएगा। तो क्या गाइस आप तैयार हो इस कुर्बानी के लिए? तो फिलहाल ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए हम यहाँ से चलते हैं। गाइस क्या आपने वो आवाज़ सुनी? तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं एंड के अंदर, और एंड के अंदर काफ़ी सारा फिलहाल खतरनाक चीज़ें। तो मैं फिलहाल अपनी चेस्ट जो है उसको अच्छे से सेट करता हूँ। मेरे को एक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को जरूरत पड़ने वाली है अपनी स्वॉर्ड की, पिकर एक्स की, एरो वो की, शवल की, सॉरी शवल के नहीं, हमारे क्रॉस बो के, और काफ़ी सारे खाने की, थोड़े बहुत वुड की, गोल्डन एप्पल्स की। और सबसे पहले तो हमें लगेगा पोशन ऑफ नाइट विजन, और जितने भी पोशन हैं उन सबको मैं यहीं पर रखने वाला हूँ जो ईजिली इक्विप हो जाए। सबसे पहले कि आपको भी वो पंख की आवाज़ आई, गाइस मुझे भी आई, पोशन ऑफ नाइट विजन लग चुका है। और आई थिंक मेरे को शवल ले लेना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है तो हमारी पिकर एक ज़्यादा बेस्ट है। तो गाइस हम बाहर आ चुके हैं, अपने खोपचे से बाहर आ चुके हैं, और फिलहाल अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को चाहिए एंडर ड्रैगन। और गाइस हमारे सामने एंडर ड्रैगन का, ओ भाई 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 भाई, ये एंडर ड्रैगन का कासल है। और मैं एक चीज़ भूल गया, मेरे को अपनी नज़र झुका के रखनी है और एंडर ड्रैगन से फ़िलहाल पिटना नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसा झुक झुक के जाऊँगा, इसे प्लेस करूँगा, और जो भी एक्स्ट्रा पोशन है, पोशन ऑफ नाइट विजन उठाते हैं, एक्स्ट्रा ही उठाते हैं। और फिलहाल एंडर ड्रैगन को हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पोशन ऑफ हीलिंग जितना भी एक्स्ट्रा माल है ना इसको यहाँ पे उठा के डालते हैं, और इसको भी हम कलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे डाला जाए। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम खाने वाले हैं गोल्डन एप्पल, और उसके बाद गाइस हम उड़ाने वाले हैं एंडर ड्रैगन के एंडर क्रिस्टल्स को। यहाँ जैसे गाइस जितने भी आप एंड क्रिस्टल्स को देख रहे हो ना, ये इसी के मदद से पावर ले रहे हैं, और हमें इन्हीं को सबसे पहले उड़ाना है एंडर ड्रैगन से बचते हुए। नहीं तो गाइस एंडर ड्रैगन ने देख लिया तो सबसे पहले अपने को पीटेगा। और पोशन ऑफ नाइट, अरे यार तो हम सबसे पहले इनको फोना शुरू करते हैं। और मेरा एरो काफ़ी ज़्यादा ही नीचे लगा है, पहला फूटा और ये ऐसे फूटेगा, फूटा कुछ तो टूटा, अरे क्या ये फूटा, वो यहीं से पता चलेगा। और ये फ़िलहाल नहीं फूटा, अरे यार जैसे गाइस आप देख सकते हो थोड़े से पॉइंट से मेरा एरो ढह जा रहा है, और मेरे को थोड़ा सा और ऊपर करके मारना पड़ेगा। एक और फूटा और ये फिलहाल गुस्से में आ रहा है, और मेरे को इससे फिलहाल पंगा नहीं लेना। एक और बच गया। तो गाइस मैं यहाँ सबसे पहले इसको तोड़ने के लिए ऊपर जाने वाला हूँ, और एंडर ड्रैगन से बचते हुए जाने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। ओ माय गॉड है इसकी आँख। एंडर ड्रैगन गुस्से में है, उसको पता चल चुका है कि मैं यहाँ आ चुका है, तो यानी अब भागना पड़ेगा। एंडर ड्रैगन से बचते, ओ एंडर ड्रैगन ने हमला करना शुरू कर दिया। और गाइस मेरे को एम्प्टी बॉटल्स लाने चाहिए थे, एक और क्रिस्टल गया, और इन क्रिस्टल्स को कैसे तोड़ा जाए। टूट अरे नहीं यार मेरा एरो गिर गया। ओहो एंडर ड्रैगन बेटा जी आप हमें नहीं मार पाओगे क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा तेज हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं। और गाइस मेरे को ये कलेक्ट करना था, हम इसके में से एक और पोशन बना सकते हैं। ओ तेरी
इस तरह तो गाइस ना ही ये मेरे को मार पाएगा, ना ही मैं ही इसको मार पाएगा। और हमें इस फिलहाल इसके क्रिस्टल्स तोड़ने और, अरे यार एरो थोड़े से गैप से रह गया, एक और फूटा। कितने क्रिस्टल्स बचे गाइस? अभी भी बहुत सारे क्रिस्टल्स बचे हैं, वहाँ वाला क्रिस्टल अभी भी बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? और गाइस ये जितनी भी आप एंड ड्रैगन की एक झाग देख रहे हो ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हमें इसे कलेक्ट करना चाहिए, पर मैं इसको फिलहाल कलेक्ट नहीं कर सकता। बट एंड ड्रैगन नीचे आ चुका है और फिलहाल इस पर हमला करने का कोई मतलब नहीं है। थोड़े से एंडर ड्रैगन को, गाइस एक एंडर ड्रैगन को मारने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है देख सकते हो। और फिलहाल ये फूटा, अरे यार निशाना चूका, निशाना चूका गाइस। मेरे को लगता है ना मेरे को एरोस काफ़ी ज़्यादा ऊपर मारने पड़ेंगे और आई थिंक मेरे रॉकेट एरो पे रॉकेट होना चाहिए। बचा, मैं मुश्किल से बचा। अब गाइस मैं तो इसके ऊपर चढ़ने वाला हूँ। ओ तेरी काफी ज्यादा ही गंदा है एंड्रॉइड ड्रैगन। इससे पहले मेरे को उड़ाए मेरे को फिर से ऊपर पहुंचना पड़ेगा। बस बहुत जल्दी मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा और एंड्रॉइड ड्रैगन मेरे को मार नहीं पाएगा। काफी ज्यादा बढ़िया एंगल मिल चुका है। एक और क्रिस्टल गया, वो भी गया। एक और क्रिस्टल जाना चाहिए, नहीं जा पाया। और एंड्रॉइड ड्रैगन वहां पे है। हम यहाँ पे काफ़ी सारी क्रिस्टल्स को फोड़ने वाले हैं। ओ तेरी, हम इस क्रिस्टल को ऐसे फोड़ने वाले हैं। बस अब ये जब ये एरो नीचे आएगा तो ये क्रिस्टल बढ़ जाएगा। नहीं फटा, अब तो फट जा मेरे भाई। काफ़ी गंदा धमाका, हमें उन टावर्स पे चलने की ज़रूरत है। और ये एंडर ड्रैगन की माँ की आँख, वो एक और क्रिस्टल गया। गाइस आखिरी दो क्रिस्टल्स बचे जिन्हें ऊपर से जाके तोड़ना पड़ेगा और इनको तोड़ने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं जाने वाले। ये गाइस केज के अंदर है, हमें फिलहाल उन्हें केज समेत तोड़ना पड़ेगा। भाई गोल्डन एप्पल खाओ। और काफ़ी ज़्यादा हाइट पे रहने वाला हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज है फिलहाल मेरी बैंड बच। ओ माय गॉड भाई, मरते मरते बचा। लो गाइस एक और क्रिस्टल गया और मैं फिलहाल मौत के मुंह में आ गया। कहाँ पे? ओ घोसड़ी का, आ जा। एक एरो लगा, दूसरा एरो लगा। ड्रैगन जी हम इधर हैं, आओ पिटने के लिए आओ। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? फिलहाल गाइस एंडर ड्रैगन पिटने के लिए आएगा और मैं एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। अगर ये गुम हो गया तो मिलेगा नहीं। चलो ये वापस आ रहा है। एंडर ड्रैगन गाइस बार बार वहाँ घूम ही जा रहा है क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है और वो सबसे ऊंचा वाला टावर है और मेरे को यहाँ से शायद नीचे जाना चाहिए। ओ हेलो, नीचे आ जा गाइस। इस तरह तो ये नहीं मरेगा, नहीं मारा जाएगा। बस ओ फक मैन गाइस, ये किस तरह से डॉच कर रहा है? ये एरो तो लगना चाहिए और ये मेरे को पता नीचे आ रहा है। इसको एक और शॉट लगा, काफ़ी ज़्यादा इसको शॉट्स लग रहे हैं और मेरे को नीचे जाना चाहिए। और मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एंगल पे हूँ जहाँ पे गाइस काफ़ी ज़्यादा शोर आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक फाइट होने वाली है। ये ड्रैगन, एक और हिट और आई थिंक इसको मारने में काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है। ये लोग भटके पड़े हैं और मेरे अच्छे माँ की आँख
मैं गोल्डन एप्पल्स काफी ज्यादा खाने वाला हूँ और मेरे फिलहाल ना गोल्डन एप्पल्स काफी ज्यादा ही बर्बाद हो रहे हैं। मैं क्या, तू इधर आ, तू इधर आ। ये एक और हिट से बचा गाइस। ये जब भी आएगा ना यहाँ, ये रेस्ट करने के लिए नीचे उतरता है। बस इंतजार है, एक और हिट लगा। एंडर ड्रैगन गाइस रेस्ट करने के लिए हमेशा इस जगह पे आता है, तो फिलहाल मेरे को इंतजार है कब नीचे आएगा। और मेरे एरोस को गाइस ये काफी ज्यादा ही गंदा डॉच कर रहा है। फिलहाल मेरे को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। अबे यार तू एक बार नहीं मरा, दूसरी बार कैसे मारूंगा तेरे को। और इसने काफी ज्यादा झाग फैलाया हुआ हवा में। बस और मेरे एरोज भी इसे नहीं लग रहे, तो काफी ज्यादा मेरे को भूख लग रही है। ओ चाचा जी नीचे आओ, कहाँ घूम रहे हो हवा में, इधर आओ। ये बस अब नीचे आने वाला है। बस बस बस, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। और एक ही बार में काफी ज्यादा इसकी हेल्थ जा चुकी है। और बच गया। एंड्रॉइड ड्रैगन चाचा जी नीचे आ जाओ। गाइस एंड्रॉइड ड्रैगन फिर से रेस्ट करने के लिए आने वाला है। साला मेरे को कौन मार रहा है अब, तेरी माँ की, तेरी माँ का, तुम्हारी माँ का, सारी माँ का। साला कौन से मार, इनकी माँ का, साकिना का। एक तो गया गाइस, अच्छा खासा मेरा टाइम वेस्ट करा दिया, अच्छा खासा मौका था गया। और ये एंडर ड्रैगन अभी तक नीचे नहीं आ रहा। अबे भाई नीचे आ जा तू। एक हिट लगा, फिर से डॉच। चाचा जी नीचे आ रहे हैं, आ जाओ, बस आप नीचे आओ, बहुत गंदे पिटोगे। ओ इसकी माता, बस 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 बस, आ गया आ गया आ गया। मैं भी मारने के लिए आ गया। गाइस काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्थ खा चुका है ये एंड्रॉइड ड्रैगन, और मेरे को दो एक्स्ट्रा हेल्थ मिल चुकी है। फास्ट हीलिंग, इसकी माँ का, साकिना का। ए मर जा रे गाइस, ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा। और एक और हिट, इसकी माँ का। गाइस बहुत गंदे हिट कर रहा है। एक और रिस्क लेते हुए, और ये हमारा मिस फिर से, बस ये खाई में ना जाए। चलो वापस आ जाए, जस्ट बचा है। एक और हिट, और एक और हिट। एंड्रॉइड ड्रैगन अब तो आप गए गाइस, ये दूर जा चुका है। इसकी माँ का, साकिना का। अबे भाई नीचे आ तू, तू नीचे आ। अरे चाचा जी पता नहीं क्या हुआ इसकी माँ का। गाइस आप देख सकते हो गाइस, एंड्रॉइड ड्रैगन की थोड़ी सी हेल्थ बची है और ये फिलहाल मरने के काफी ज्यादा करीब है। पर ये हरामी ना ही नीचे आ रहा है, ना ही मैं इसको मार पा रहा है। बस डॉच आ जाए, डॉच आ जाए, डॉच आ जाए। और ये नीचे आने वाला है। एक और हिट, ये फिलहाल झाग 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 झाग, खतरनाक। गाइस हमने एंड्रॉइड ड्रैगन को पहली बार मार ही दिया, और ये ऊपर जा रहा है फटने के लिए। क्या ही पटाके, क्या ही गंदी तरीके से फटा है। और पोशन ऑफ नाइट विजन एक और आ गया, इसको मैं लगा गया। तो गाइस पहली बार हम एंड्रॉइड ड्रैगन को मार चुके हैं, और हमें पहली बार एंड्रॉइड ड्रैगन मारने में कितना ज्यादा टाइम लग गया, कितना ज्यादा यानी बहुत ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि गाइस ये नीचे ही नहीं आ रहा था। और काफी ज्यादा एक्सपी मिल चुकी है, और अभी हम मारने वाले हैं एंड्रॉइड ड्रैगन को एक और बार। उससे पहले मैं अपनी जितने भी एरोज हैं, देख सकते हो गाइस मेरे काफ़ी सारे एरोज खर्च हो चुके हैं, तो मैंने इधर उधर जितने भी एरोज को फेंका हुआ है, देख सकते हो कहाँ कहाँ फेंका हुआ है, इनको मैं जाके कलेक्ट करता हूँ, काफ़ी सारे हैं। और मेरे फिलहाल 3 एंडर पर्ल्स हैं, जिनके मदद से मैं अच्छी खासी जंप मार सकता हूँ।
आउच आउच। तो फिलहाल मेरे को एंटर ड्रैगन इसकी माँ का आ जा तू इधर ही आ जा। लो कहीं ले गया, इधर आ, तुम दो भी हो इधर आओ। इनकी माँ का साथी माँ का तो मिल चुके हैं और अभी फिलहाल बारी आ चुकी है एंडर ड्रैगन को दोबारा जिंदा करने की। तो हमें क्या करना है? इनकी माँ का साथी माँ का, अब कौन गुस्से में आ गया? अच्छा ठीक है, भाग ले इधर से। चलो ये गाइस पहुंच गया है सीधा हमारे ओवरवर्ल्ड। हमें यहाँ 4 एंड क्रिस्टल्स को प्लेस करना है और गाइस ये चौथा एंड क्रिस्टल प्लेस करते ही एंड ड्रैगन वापस आ जाएगा और मैं यहाँ से जल्द भाग जाएगा। इसको साइड करेगा, इसके जगह जितना भी पोशन है उसको लगाएगा। ये देख सकते हो गाइस जितने हैं क्रिस्टल सब वापस आ रहे हैं और इनके आसपास केज बनना शुरू हो चुकी है और मैं फिलहाल किसी ऊंचे वाले पे चढ़ने वाला है। ये सबसे ऊंचे वाला है और मैं गाइस एंड ड्रैगन को मारने के लिए सीधा ऊपर जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा ही ऊपर, क्योंकि यहाँ से गाइस मैं सभी केजेस को तोड़ने वाला हूँ। और एंड ड्रैगन अभी वापस आने वाला है बहुत जल्द और इसकी माँ नाम लिया गाइस शैतान हाजिर। और हमें गाइस एंड ड्रैगन को रिवाइव करने के पॉइंट्स भी मिल चुके हैं और अब हम इसको जब दोबारा मारेंगे हमें दोबारा पॉइंट्स मिलेंगे। इसकी माँ का साकी ना का, और ये गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पॉइंट है, यहाँ से हम इसके क्रिस्टल्स को आराम से फोड़ सकते हैं। अरे भाई टूट जा। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होने के कारण एंडर ड्रैगन का निशाना यहाँ कच्चा है। आखिरकार फिलहाल वो भी एक बच्चा ही तो है। एक और क्रिस्टल गया माँ का साकी ना का। एक और क्रिस्टल गाइस बच गया, हमें यहाँ रहते हुए सभी क्रिस्टल। और एक और क्रिस्टल गया, पोशन ऑफ नाइट विजन लगा लिया जाए। ओ माय गॉड, देख सकते हो गाइस एंडर ड्रैगन ने क्या ही झागी झाग कर रखा हुआ है। ये एक और गया, ये निशाना, एक और क्रिस्टल गया, काफी ज्यादा दूर है। इसका पता नहीं चलने वाला। एक और क्रिस्टल गया, अब हमें गाइस सिर्फ दो ही क्रिस्टल्स फोड़ने हैं। थोड़े से पहले एंडर ड्रैगन का मुंह तोड़ना है। गाइस इस बार ये काफी ज्यादा ही गुस्से में है क्योंकि पिछली बार बहुत बुरी तरह पिटने के बाद इस बार दोबारा आ चुका है हमें पीटने के लिए और हमें इसके क्रिस्टल्स तोड़ने हैं। खुले से निकलो, खुले से निकलो, बहुत ज्यादा पीटेगा। और इसका क्रिस्टल थोड़े से उससे बचा, अबे टूट जा इसकी माँ का। एक और क्रिस्टल गया, अब गाइस आखिर क्रिस्टल बचा जिसे हमें फोड़ना है और यहाँ से इसको मार के निकलना है। और ये भाई जल्द से जल्द ऊपर पहुँचते हैं। एक सोन चाहिए, सबसे सेफेस्ट तरीका है इसको तोड़ने का और यहाँ ऊपर जाने का। अब एंड्रू ड्रैगन तू ठीक मेरे सामने है और तेरे पास कोई भी रिवाइव के लिए पॉइंट नहीं है। और यहाँ गाइस एंड्रू ड्रैगन का एग भी है। ओहो हो, अब की बार यानी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आएगा। पोशन ऑफ स्ट्रेंथ, पोशन ऑफ रेजिस्टेंस, भाई लगा लिया जो भी था इसको साइड करने का। पोशन ऑफ स्ट्रेंथ, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ, पोशन ऑफ हीलिंग, पोशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसे इधर लगाते हैं और हम सीधा चलते हैं इसको मारने के लिए। काफ़ी गंदा डैमेज पड़ा है। एप्पल खाते हैं, एप्पल अडे कीपर कीप डॉक्टर्स अवे, बट मेरे साथ सीन उल्टा है। अटैक करता है। ओ भाई भाई साहब क्या ही गंदा उछाला भाई साहब। एंड्रू ड्रैगन ने ऊपर ही उछाल दिया। इसकी माँ का, इसकी माँ का निकल गया, तुम निकल गया, चल भोज अड़ी गए। और मैं काफी सारे एंड्रू मैन को नाराज कर चुका हूँ। इसकी माँ
नाका साकी नाका। साला इसकी माँ का साकी नाका। उफ 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 बचा बचा बचा, बहुत ही मुश्किल से बचा। इसकी माँ का, अबे इधर आजा भाई, कब मरेगा कब मरेगा कब मरेगा। अरे आ गया आ गया आ गया, मुझे पता तू नीचे आ गया, तू नीचे आ गया, तू नीचे। ओ ओए ओए मारता है, इधर से मारता है, इधर से मारता है, इधर से मारता है। बहुत जल्दी मरेगा, बहुत जल्दी मरेगा, बहुत जल्दी मरेगा। इसकी माँ का, इसकी माँ का, इसकी माँ का। गाइस इसने यहीं पे झाग उझाग कर दिया है, और मैं इसे ना मार नहीं सकता, मार नहीं सकता, किसने बोला मार नहीं सकता, इसको अच्छा खासा डैमेज देके जाएगा। पोशन ऑफ हीलिंग गया, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ लग चुका है, डॉक्टर का वे मत घोसड़ी के। ओ एंडर ड्रैगन इधर आओ, इधर आओ, अपना इनाम लेके जाओ। एंडर ड्रैगन, ओ गाइस एंडर ड्रैगन बहुत गंदा ही डॉच करता हुआ, अब फिलहाल मैं इसके पीछे इसकी जान लेने को तोला हुआ। बस एक और बार नीचे आ जाए, एक और बार नीचे आ जाए, और इस बार मेरे ख्याल से गाइस एंडर ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही जल्दी मरेगा। ईश काफ़ी ज़्यादा गुर्राता है भाई। नीचे आ, नीचे आ, तू नीचे आ, बस यही पे टिका रहे। ओ मिस कर दिया गाइस, इसने मेरे काफ़ी सारे एरोज वेस्ट कराए हैं। पोशन ऑफ स्ट्रेंथ लगाओ, स्ट्रेंथ लगाओ, पोशन ऑफ नाइट विजन, सारा पोशन लगा दो जो भी पड़ा है। मैं एक भी पोशन यहाँ से लेके नहीं जाने वाला। आ गया आ गया आ गया, तू नीचे आ गया, बस 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 बस। Finally, Ender Dragon 2.0 भी गया। एक ही बार में लगातार Ender Dragon को दो बार मारने का मेरा रिकॉर्ड पूरा हो चुका और इसकी माँ का। तो गाइस हम एक ही बार में Ender Dragon को लगातार दो बार मार चुके हैं, और हमें गाइस रिवाइव वाला पॉइंट भी मिल चुका है, Ender Dragon को रिवाइव करके मारने वाला। और आई थिंक उसको टी दबा के चेक किया जाता है, नहीं रे आर दबा के, नहीं रे पता नहीं। फिलहाल हम उसको हम ई दबाने वाले हैं, और गलती से कभी का एस दबाने के बाद वो आता था, एस दबाते हैं, नहीं रे पता नहीं ये पॉइंट कहाँ से चेक करते हैं। पर गाइस हम फिलहाल एंड्रू ड्रैगन को लगातार दो बार मार चुके हैं, और हमारे पास खुल चुके हैं दो दो पोर्टल्स। गाइस इन जेबन से हम जाने वाले हैं एंड सिटीज को ढूंढने के लिए, जहाँ पर मिलेगा गाइस फाइनली हमारे उड़ने का रास्ता, यानी एलाइट्रा बहुत जल्दी आने वाला है। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम जाने वाले हैं एलाइट्रा लेने के लिए, और आज हम गाइस एंड्रू ड्रैगन को मार चुके हैं काफ़ी ज़्यादा है। गाइस दो बार उसको लगातार मारने के बाद मैं भी थक चुका, और देख सकते हो अभी भी काफ़ी सारा पोशन बचा है। और गाइस मैंने इसको पहली बार के मुकाबले दूसरी बार में काफ़ी ज़्यादा ही जल्दी मारा, और काफ़ी ज़्यादा ही ईजिली मारा, बट मेहनत तो उतनी लगी, जितना पोशन बचा सब यहीं में मारते हैं। कोई पोशन मैं घर नहीं लेके जाने वाला, जो लाया था सब यहीं उड़ा के जाऊँगा। चलो देख सकते हो गाइस एक एक साथ कितने क्या 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 लगे। रेजिस्टेंस लग गया, हेल्थ लगी भाई, रीहीलिंग हेल्थ, स्ट्रेंथ, स्पीड, स्पीड है देख सकते हो गाइस अच्छी खासी स्पीड मिल चुकी है, और मैं यहाँ से फिलहाल वापस जा सकता हूँ। बाइस गाइस बट इस बार एंडर ड्रैगन का एग नहीं आया, तो क्या हम एंडर ड्रैगन को इस बार भी जिंदा कर सकते हैं? इस चीज़ को देखने के लिए गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा, कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में नहीं मारने वाले, हम इसको फिर कभी मारने, बट आज के लिए गाइस हम उसको लगातार दो बार मार चुके हैं, जिसको करने के बाद फाइनली मैं संतुष्ट, और आपको भी संतुष्ट करने की कोशिश की है। और लगभग गाइस ये 1000 स्पेशल का यही हमारा स्पेशल वीडियो था, जिसमें गाइस हमने एंड्रू ड्रैगन को लगातार दो बार मारा, और इसको मारने में गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और आज की वीडियो गाइस कैसी लगी कमेंट करके बताना, और आज की वीडियो में कितना ज़्यादा मज़ा आया उसे भी कमेंट करके बता दो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को गाइस दबा के शेयर करो, क्योंकि ऐसा ये है 1000 स्पेशल जिसमें मारा हमने दो दो एंडर ड्रैगन को। तो तब तक के लिए गाइस आपसे मिलता है एक और नई वीडियो में एक और नए आइडियाज के साथ, आइडिया के साथ नहीं सीधा एलाइट्रा के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एलाइट्रा के साथ, तब तक के लिए सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर, और मैं चला यहाँ से वापस।
Ocean in my head, because there are so many.